हाय फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यंग गरेज में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो करियर के ऊपर है कि हम लोग अपना करियर कैसे चूज़ करें, तो मैं आपको वही बताता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। इसके लिए आपको दो कंडीशन होना चाहिए, या तो आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, वो भी उनकी स्टार्टिंग में हो, ठीक है फ्रेंड्स, उनकी स्टार्टिंग हो तभी ये काम करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपके पास दो चॉइस होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आपके पास हमेशा दो चॉइस रखिए कि आपको क्या करना है, अपना एम बनाइए, दो एम बनाइए, ठीक है, आपको क्या करना है। सबसे पहले तो उस एम के बारे में जानिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपको क्या करने से खुशी मिलती है, आपकी एबिलिटी क्या है, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उस हिसाब से अपना आगे का करियर आप चूज़ कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, आप खुद अपने आप से पूछिए, क्योंकि आपको ही पेपर देना है, आपको ही सब कुछ करना है, ठीक है फ्रेंड्स। जब आप ये सब कर लोगे तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आपका मन करता है आप आर्ट में जाना चाहते हो तो आर्ट में जाइए, साइंस में जा सकते हो साइंस में जाइए, इंजीनियरिंग करना है इंजीनियरिंग में जाइए, MBBS करना है MBBS में जाइए। लेकिन आपको अगर ये सब चीज़ जो भी करना है तो उन्हीं से पूछेंगे जिससे आपको फ़ायदा मिले, ठीक है। जैसे कि आपको MBBS करना है तो सीधा डॉक्टर से पूछो कि क्या क्या प्रोसेसर होता है और किस तरह से वो कोर्स रहता है, तो आपको हमेशा हेल्प होगी फ्रेंड्स, ठीक है। इस इधर उधर अरे गहरे से किसी से बिल्कुल ना पूछें, और अपना करियर आपको बनाना है तो आप खुद ही समझदार हो, 10th में हो, ये नहीं कि मैं एग्ज़ाम के बाद सोचूंगा कि क्या करना है, गलत है, बाद में आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा फ्रेंड्स। इसलिए आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, हो सकता है आपका लास्ट ईयर भी चल रहा हो तो कोई बात नहीं, आप ट्राई कीजिए और आप अपने लक्ष्य को मजबूत बनाइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरी आपके साथ यही शुभकामनाएं है फ्रेंड्स, हमेशा दो चीज़ पे फोकस करना, और जैसे कि मैंने क्या बोला, दो ऑप्शन रखना, जैसे कि एक तो आपको BA करना होगा या BCom करना होगा, या फिर BSc करना होगा या BE करना होगा, जो भी आपका मन करता है, ITI वगैरह, पॉली वगैरह, तो दो चीज़ रखना, इसमें ये नहीं लगा तो इसमें करेंगे, वो नहीं लगा तो उसमें करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जब भी आप ऐसा करोगे तो आप हमेशा पॉजिटिव में रहोगे और आपका कोई भी लॉस नहीं होगा इस चीज़ में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक दबाना फ्रेंड्स, ठीक है, अपने आप को मोटिवेट रखना, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस हमेशा बनाते रहूँगा फ्रेंड्स। अगर कोई भी डाउट है आपके मन में 10th के एग्ज़ाम के बारे में या 11th 12th या करियर के बारे में, तो प्लीज़ हमको कमेंट कीजिए फ्रेंड्स नीचे। ओके फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखना, बाय, गुड बाय।